हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्ट कर रहा हूं। द मैजिकल जर्नी ऑफ टू झूम फ्रॉम कोक स्टूडियो एक मास्टरपीस बनाकर तैयार किया था। मैंने भी ऑफिशियल वीडियो पर रिएक्ट किया था एंड उस पर आई थिंक अभी तक के 6-7 दिन में 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए 7 दिन में। वो आबिदा परवीन एंड नसीबुल्लाल का एक मास्टरपीस था। दोनों की एक जुगलबंदी, एक कॉम्बिनेशन, एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। खून देने वाली चीज़ थी यार, बहुत ही कमाल की। चलिए इसकी मैजिकल जर्नी को देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कुक स्टूडियो सीजन 14 द मैजिकल जर्नी, इट्स लाइक अ व्लॉग कि इसके पीछे हुआ क्या था, कैसे तैयार हुई थी ये चीज़, ये मास्टर पीस। ओके, रोड पर जाते हैं। गोइंग टू इस्लामाबाद टू मीट आबिदा परवीन, उनको सुनाने, हमने उनके लिए कुछ बनाया तो हमें लगता है कि उनको ध्यान में रखकर बनाया, उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी को भरपूर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। एंड होपिंग शी लव्स इट, शी गिव्स इट हर ऑल एंड शी नेल्ड इट। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को रास्ता, वाओ क्या मंजर है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। आबिदा परवीन के घर, ये हैंडराइटिंग आपकी है जी? जल्दी जल्दी माफ कीजिएगा। तारीफ कर दी फौरन। अब ये देखिए, जैसे आपने म्यूजिक बनाया, अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवागर, मैं हूं कहां, तुम ही तो हो, असल में राज है यही, असल में राज है यही, ये सरेंडर है, पर्दा शौक है ये। दिस रोंगटे खड़ी कर देती है ये म्यूजिक एंड ये जो ले है। हाय हाय, He's getting emotional. कमाल लग रहा है, कोई मकसद लाइफ का आज पूरा हुआ, पता नहीं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये इमोशनल हो रहा है, इमोशनल नसीब बोला। देखना ये बात है, मुझे बताएं, ये आपकी स्टोरी नहीं है? पीड़ा नू में सीने लगाते मैं हंसती जाऊँ, मैंने तो आपसे सीखा ही, मैंने आपसे ये सीखा क्योंकि आपने मुश्किलों को भी तो गले लगाया ना और हंसते हंसते किया है। क्या यार, दिल को समझा रही हूँ कि परेशान ना हो, झूमो इजी। ठीक है, ये सच में मैजिकल जर्नी है। हाई लो, मैंने लोग की कहने ने मैडम नसीबो मैडम, मैं कहनी है मैडम दा की हो गया ते लोग की कहने ने कि तुसी बदले क्यों नहीं, ते हुन मैं की बदला, मसलन बे की होंदा है बदलना, की करा बदल के मैं की होएगा आखिर दा की है। अरे दो लाइनें रहती थी, आपने मैं एक मैसेज दे दिया, आपने मेरे चेहरे के क्वेश्चन उधर देख के। मैं आपको कहूं, आप मेरे लिए ना ओरिजिनल है, ओरिजिनल समझती हैं आप, एक ही हैं, आपका एक्सप्रेशन भी आप ही का है बिल्कुल। हर गाने का अपना सेट है, हमारे 5 वीडियो डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, सो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बड़ी टीम, नए लोग नए लोग
विजन भी नहीं है। तो जो भी गाना है ना उसकी पूरी आर्ट डायरेक्शन हो रही है मैन। सो अब आप लोग भी अगर फॉर एग्जाम्पल इस गाने में हो तो इस गाने का हिस्सा हो। बिल्कुल, यू आर पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव जो गाना बात है। ये मास्टरपीस तैयार हो रहा है भाई, मास्टरपीस। उसके बिहाइंड द सीन्स। ओके, अब टाइम। हे, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ीशान परवेज, आई एम द डायरेक्टर फॉर अ फ्यू सॉन्ग्स, डायरेक्टर कोक स्टूडियो फॉर दिस सीजन। दिस ईयर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ सुपर, सच में डिफरेंट है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट ओवरहॉल प्रोसेस आई गेस। नेक्स्ट के भी नेक्स्ट लेवल मुझे यार एक्सपीरियंस हो रहा है इसका, बहुत ऊपर का ये। I'm super proud, man. They sound like angels and look like angels today as well. So super proud of them, and I'm sure you're going to love hearing them in this wondrous and amazing song. All right. Okay. Camera there. Camera roll. Action. I got this track and it was the middle of the night and I listened to it and it actually made me very, very emotional. Such big. And that is the best thing about it, like letting go of your worries and whatever may be, you just zoom. Assalamu alaikum, I'm Saad Sheikh, the director of choreography for the song Jhoom. We have fixed an ensemble of 10 people, 5 girls and 5 boys. And we modern contemporary, ko, Sufism and hip hop, we have popping and locking, sub genres, ko mila mix ke, yaar. Ek cheez banane ki koshish kiya. Achha tha, dance. सूफीज़म मिलाकर उसमें मलंग सूफी, दूसरी दुनिया होती है उनकी। कोक स्टूडियो में दोबारा आई हूँ, एक अलग अंदाज से आई हूँ, बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने मुझे बुलाया है। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। दरमियान में एंड पे कर अभी, लेकिन पहला कोरस आपका है ना, वो होना चाहिए, सबको पता चल जाए ये है। हाँ, ये है। आपदा जी हमारे पाकिस्तान का सरमाया, पूरी दुनिया का सरमाया है। बिल्कुल, मैं सही कह रही हूँ। उनका काम यार अलग है सबसे। देखती हूँ तो मुझे रोना शुरू हो जाता है। इन दोनों का ही काम अलग है। जी मैडम जी, मुझे भी। स्केल इज बेसिकली ए क्लासिकल सेटअप दैट वी हैव हैड एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। टू लेजेंड्स लाइक आपदा जी एंड नसीबुल्लाह जी facing each other, yeah, having a conversation. Absolutely stoked to be here. There is a certain transcendence that takes place when we're playing with Abda ji and Nasibo ji. Zulfi sahab ne bada acha ek malang sa ek azadi jo hai gaane ki aur ek bada ek rhythm jo hai uska ek mastana waar hai jisme jo hai wo masti hai. आपको जन्म बाबा बताऊँ, ये आइडिया की शुरुआत ये है, इन्होंने मुझे कॉल की, मेरा एक गाना आया था ग्रूव मेरा, मुझे बात याद है, बिस्मिल्लाह क्या काम किया तुमने, तो मैं रुक गया। उन्होंने कहा कि नसीबों के साथ नसीबो, हाँ, जी से और करें, और करें कहाँ नसीबो लाल जी से, और बहुत बड़ी फनकार और काम करवाए, इन्होंने बोला हम इकट्ठे हो गए सारे। हसदे हसदे है जीना, मैं निकल
जल गई मेरे वर्गियों की खुद को लो शर्माना दुनिया राजी कर भी नहीं है फिर भी चैन नहीं आला फाइनल वर्डिंग पैरेलल यूनिवर्स से कुछ एग्जिस्ट करके आई है ऐसे लग रहा है आउट नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड था ये कोई मैजिक हुआ है इस टेक में पता नहीं क्या हुआ एंड दिस वाज लाइक एन एक्स्ट्रा टेक वी वाज लाइक कि हो गया तो वी जस्ट डिसाइडेड कि यार एक और मैंने आरसे जी को एक उनकी पुरानी वीडियो दिखाई बचपन की एंड शी वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड दिस नाइट एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग एंड देयर शी वाज मिल गया यही चाहिए था और एक एक बंदा बाय द वे इज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन दिस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम शूट कर रहे हैं या वो गा रहे हैं साफ नज़र आ रहा है कि सब ने अपनी जो है ना रूह भी इसमें डाल दी कोई इसको ऐसा होने नहीं दे पा रहा कि यार कहीं भी इसमें कोई मसला रहे हाँ कमी ना रहे और ये तो जी जान से ब्लेसिंग है तैयार की है ब्लेसिंग से ज़्यादा ये मिरेकल है ये मुझे नहीं पता तो होगा बड़ा अच्छा तो अल्लाह फतेह देगा इस प्रोग्राम को इस गाने को अल्लाह रंग लगाए और मिल गई फतेह और ये बहुत चलेगा भी और चलेगा तो ये सब कुछ देखते देखते मैं भी इमोशनल हो रहा था इसकी पीछे की कहानी को देखकर सच में यार बहुत ही अमेजिंग था ये जो क्रिएशन मैं क्रिएशन बहुत बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है लेकिन सच में ये एक क्रिएशन है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं है नसीबुलाल आबिदा परवीन दो लेजेंड्स तो इसमें हैं जिनको ध्यान में रखकर कुछ तैयार किया गया था कुछ लिखा गया था उनको बताया गया एंड उसके बाद वो तैयार हुए तो उसके पीछे की जर्नी देखकर बहुत मज़ा आया कि ये किस तरीके से तैयार हुआ और ख़ुद ब खुद होता गया सब ने अपने दिल जान ताकत हिम्मत सब कुछ इसमें झोंक दिया एक एक इंसान ने चाहे वो कैमरामैन हो चाहे वो वहाँ पर स्पॉट बॉय हो चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो चाहे कोरियोग्राफर हो चाहे डायरेक्टर हो चाहे राइटर हो चाहे सिंगर हो सब ने अपना बेस्ट दिया है इसमें खुद ब खुद उनके अंदर से बेस्ट निकला है जैसा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैजिकल है ये कुछ मैजिक तो हुआ है तैयार हुई है कोई चीज़ जो कि नेक्स्ट लेवल है सब कुछ परेशानियों का हल आपको इसमें नज़र आता है उसको सुनते हो तो ऐसे ऐसे उसके लिरिक्स हैं और जो इन दोनों की आवाज़ों में एक कड़क मोटी सी आवाज़ एक बारीक सी वो तीर वाली आवाज़ जो होती है वो सीधे आपको हिट करती है और आपके पार निकल के चली जाती है यहाँ भी हिट करती है और बस आपके अंदर सवाल यानी पूरे अंदर बॉम्ब सा फूट जाता है कि आपके अंदर सब कुछ है वो मास्टरपीस तैयार हुआ है एंड इसकी मैजिकल जर्नी को देखकर सच में इमोशनल हो गया मैं कैसे क्या क्या किया है इसके पीछे क्या क्या तैयारियां हुई हैं कितनी मेहनत कितना काम किया है लोगों ने सभी ने तो सबको सैल्यूट है एंड इन दो लेजेंड्स को जिन्होंने इसको पूरा मुकम्मल करने में अपनी आवाज़ दी अपना इनपुट दिया इसमें तो दिस वॉज अमेजिंग इमोशनल एंड आर्ट टचिंग आप वो रिएक्शन देखना चाहते हो टू झूम का तो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर साइनिंग